थियो नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय सीमा पर बहुत तनाव तो है, लेकिन क्या करें, देश में चुनाव भी तो है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। आपने भारतीय जनता पार्टी का विज्ञापन विभिन्न सारे समाचार पत्रों में देखा होगा कि मोदी हैं तो मुमकिन है। बिल्कुल ठीक बात है, मोदी हैं तो ये भी मुमकिन है कि भारतीय जनता पार्टी विभिन्न सारे विपक्षी दलों से ये कहती रहे कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश समय इस समय संकट की घड़ी में है, देश युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है, मोदी हैं तो ये भी मुमकिन है कि जिस दिन अभिनंदन की घर की वापसी की बात हो रही थी, यानी कि पाकिस्तान से भारत लाए जाने की बात चल रही थी, और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कह रहे थे कि पूरा देश इस मामले में एकजुट है, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत के अभियान में लगे हुए थे। बकायदा भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल सोशल हैंडल है, उसने ट्वीट किया कि 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया की सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 15,000 बूथों पर कार्यकर्ताओं को एक साथ संबोधित करेंगे। तो ये मुमकिन क्यों है? क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है, मोदी हैं तो ये भी मुमकिन है कि कमल ज्योति अभियान भारतीय जनता पार्टी अपना शुरू कर देती है, मोदी है तो ये भी मुमकिन है कि विपक्षी पार्टी दल कोई भी एक कदम उठाएं, उसको आप राजनीति से जोड़ दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता खुद अमित शाह गाजीपुर में रैली करें। 14 फरवरी को जब से आतंकवादी वारदात हुई थी, उसके बाद बहुत सारे घटनाक्रम सामने आए। भारतीय वायुसेना ने सॉरी का परिचय देते हुए पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र में घुस करके बमबारी की। उसके बाद उस तरफ से भी विमान आया, इस तरफ से भी विमान आया, विमान एक भारतीय सेना का गिरा भी लिया गया। भारतीय वायुसेना के एक सेनानी को बंधक भी बना लिया गया पाकिस्तान द्वारा अभिनंदन को। इसी बीच में इमरान खान ने उसके अभिनंदन के भारत वापसी की बात भी कह दी। इन सारी बातों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ना कपड़े बदलना कम हुए और ना रैलियां करना बंद हुई, ना भाषणबाजी बंद हुई, ना उनकी हंसी सिठोली बंद हुई, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए ये सब कुछ मुमकिन है। एक बात और है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए ही शायद मुमकिन थी, वो ये बात है, मैं पूरे तथ्यों के साथ कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सबसे झूठी सरकार है और झूठ बोलती है। ये तथ्य मैं इस आधार पर कह रहा हूं क्योंकि प्रकाश जावड़ेकर ने 8 फरवरी को संसद में बकायदा समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव के एक सवाल के जवाब में कहा था कि हमारी सरकार पूरी तरीके से टिकी हुई है, और 13 पॉइंट रोस्टर ठोक ठोक के कहा था कि हमारी सरकार ओबीसी एससी एसटी की हिमायती है और हम 13 पॉइंट रोस्टर के तहत नियुक्तियां नहीं होने देंगे, 200 पॉइंट रोस्टर के तहत ही नियुक्तियां होने देंगे। तो सबसे पहले तो आप यह सुन लीजिए कि आखिर इस मामले में संसद के अंदर प्रकाश जावड़ेकर ने क्या बोला था। दर है और भर्ती होगी, 200 पॉइंट रोस्टर जो पहले था वैसे ही होगी, 13 पॉइंट रोस्टर से नहीं होगी, और जब तक हमारा निर्णय या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उसके बारे में आता है तब तक नियुक्तियां नहीं होगी, यह हम सुनिश्चित करेंगे। और भर्ती पूरा शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब ओबीसी का आरक्षण पूरा लागू होगा, 200 पॉइंट रोस्टर लागू होगा, यूनिवर्सिटी एज वन यूनिट वैसे ही लागू होगा, और ये ज्यादा से ज्यादा भर्ती जैसे ही ये प्रक्रिया समाप्त होती है तुरंत शुरू करेंगे। और पूरी आपने संसद में पंडित प्रकाश जावड़ेकर द्वारा दिया हुआ भाषण सुन लिया, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दावा किया जा रहा है कि हमारी सरकार ओबीसी एससी एसटी की हिमायती है, लेकिन वो दावा करते हुए ये भूल गए कि उनकी सरकार के राज में ही ये रोस्टर सिस्टम के तहत इस तरीके से नियुक्तियां की जा रही हैं कि ओबीसी एससी एसटी को नुकसान पहुंच रहा है। अब हम आपको संक्षेप में ये सुना देते हैं कि धर्मेंद्र यादव ने आखिर संसद में क्या कहा था, कौन सा सवाल उठाया था जिसके जवाब में प्रकाश जावड़ेकर को ये कहना पड़ा था। माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं, जिस तरह से आदरणीय गणेश जी ने कहा एससी एसटी ओबीसी के प्रोफेसर की संख्या देश के अंदर बहुत कम है, इसलिए अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ओबीसी एससी एसटी कम है, इस रोस्टर को उल्टा कर दीजिए, पहला पद एसटी, दूसरा पद एससी, तीसरा पद ओबीसी, चौथा पद अनरिजर्व, जिससे कि जो बैकलॉग है, जो उपेक्षा है, जैसे प्रोफेसर में एक भी ओबीसी नहीं है, एससी एसटी का भी यही दुर्दशा है, जिससे आने वाले समय में ओबीसी एसटी
और एसटी को समुचित न्याय मिल सके। अगर ये न्याय समुचित नहीं देते हैं तो ये देश के जनमानस में, देश के विद्वानों में, प्रोफेसर में ये मैसेज है कि वर्तमान सरकार ओबीसी और एसटी एससी की विरोधी है। क्या माननीय मंत्री जी बैकलॉग की भर्ती करोगे या नहीं करोगे? दोनों के बयान आपने सुन लिए। अब मैं आपको ये कह देता हूं क्योंकि मैं क्यों पूरे तथ्यों के साथ ये कह रहा हूं कि ये सरकार झूठी है और प्रकाश जावड़ेकर ने संसद में झूठ बोला था। प्रकाश जावड़ेकर ने संसद में चीख चीख कर कहा था कि यूजीसी को हमने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि कोई भी नियुक्ति जब तक ये कोर्ट में पेंडिंग है केस, कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी, हमने रोक लगा दी है। अब आप देखिए 28 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका को खारिज करती है। वो खारिज कैसे हुई, क्या केंद्र सरकार ने मजबूत तथ्य प्रस्तुत किए कि नहीं किए, वही जस्टिस थे दोबारा से जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस इंदिरा बनर्जी, उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया। तो ये ध्यान दीजिएगा, 28 फरवरी को याचिका खारिज होती है लेकिन 25 फरवरी को ही एक विज्ञापन निकाला जाता है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी द्वारा, और इस विश्वविद्यालय के बनारस में प्रोफेसर के 15 पद निकाले जाते हैं जो सामान्य के कोटे में गए हैं। सामान्य के पद सामान्य कहे जाते हैं लेकिन सच्चाई यही है इस देश में कि सामान्य के पद होते सवर्णों के पद हैं। उसी तरीके से एसोसिएट प्रोफेसर के 10 पद निकाले गए हैं, वो भी 10 सामान्य के पद हैं, यानी कि सवर्णों के पद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में जरूर थोड़ी सी दया दिखा दी है सरकार ने, 38 पद निकाले हैं जिसमें जनरल के 33 हैं, ओबीसी के 4 हैं और एससी का सिर्फ 1 पद है। तो ये है सच्चाई। अगर वास्तव में प्रकाश जावड़ेकर ये कह रहे थे और यूजीसी का वास्तव में ये था कि कोई भी नियुक्ति न निकाली जाए, तो किसी भी विश्वविद्यालय की इतनी हिम्मत है क्या कि वो अपने मानव संसाधन विकास मंत्री के निर्देश को, यूजीसी के निर्देश को साइडलाइन रख करके इस तरह की नियुक्तियां निकाल देगा? एक और उदाहरण आपको मैं बता देता हूं। दूसरा उदाहरण है बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी का। वहां 30 पद निकाले गए हैं, 30 में से 28 पद जनरल के खाते में यानी कि सवर्ण के खाते में हैं, ओबीसी को सिर्फ 2 पद मिले हैं, एससी एसटी तो शून्य है। ये 2 बड़े उदाहरण हैं जो मैंने आपको बताए कि सरकार ने कैसे बकायदा संसद के अंदर झूठ बोला था। 8 फरवरी को सरकार ने कहा था कि हम अध्यादेश लाएंगे, अब पुनर्विचार याचिका खारिज हो गई है, अब देखना यह है कि सरकार अध्यादेश कब लाती है। इसी के बीच में एक उदाहरण मैं आपको और बता देता हूं। प्रकाश जावड़ेकर ने एक बात और कही थी, उसने कहा था कि ओबीसी एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन को हम स्थायी बना के रखेंगे, जो 10% सवर्णों को आरक्षण दिया जा रहा है वो अलग से जो पहले से अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें दिया जाएगा। लेकिन ये भी झूठ मैं आपको बता देता हूं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई ने एक वैकेंसी निकाली है बहुत बड़े स्तर पर, उसमें नॉर्थ जोन में 1999 नौकरियां निकाली गई हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा ये आंकड़े, इसमें से जनरल कैटेगरी में यानी कि सवर्ण कैटेगरी में 996 वैकेंसियां गई हैं। तो 1999 का 996 अगर हम देखते हैं तो 50% आता है। अब सवाल यह है कि जो 200 बची हुई सीट हैं, जो 10% सवर्ण आरक्षण के तहत सवर्णों को दी जानी है, गरीब सवर्णों को, वो सीट किसके खाते में जाएगी? अगर जनरल को पूरी 996 सीटें मिल गई हैं तो स्वाभाविक है कि ओबीसी एससी एसटी का जो 49.5% रिजर्वेशन है वहीं से 10% रिजर्वेशन काट करके सवर्णों के खाते में जाएगा। तो ये मैंने आपको कुछ उदाहरण बताए जो उस शोर में दबा दिया गया है कि देश खतरे में है, देश संकट में है, देश भय में है, देश गमगीन है और देश खुश है। ये सब कुछ अपने आप से ही तय कर लिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि देश की परिभाषा आपकी नजर में क्या है? ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटी ये पूरा कि अगर बात नहीं हो रही है तो आपकी नजर में वो देश क्या है? केवल झंडे लगा लेने से, बैनर लगा लेने से कोई देश नहीं बनता। उस देश के नागरिक खुशहाली से उस देश को परिपूर्ण और संपूर्ण बनाते हैं। देश के बहुसंख्यक वर्ग की अपने अधिकारों की इस लड़ाई को अंतर्राष्ट्रवाद के शोर में दबाने की इस मुहिम में हम ये भी भूल गए कि इसी बीच में आरटीआई से एक सूचना मिली, उसमें ये बताया गया कि आईआईएम लखनऊ में 83 फैकल्टी के पद हैं, उसमें ओबीसी केवल 2 हैं, एससी केवल 1 है और जनरल यानी कि सवर्णों के खाते में 80 पद गए हैं। तो फिर जब आगे चल करके आपके बच्चे, आपके आगे आने वाला भविष्य पूछेगा कि जब रोस्टर खत्म किया जा रहा था उस समय आप कहाँ थे, तो आप क्या बताएंगे कि हम मोबाइल की डीपी बदलने में व्यस्त थे, हम अंतर्राष्ट्रवाद के शोर में व्यस्त थे क्योंकि उस समय देश संकट में था। हकीकत यह है कि देश संकट में बिल्कुल नहीं है। देश संकट में इस देश के हुक्मरानों की नीतियों की वजह से है, वरना एक बड़ा उदाहरण पाकिस्तान ने पेश किया कि वह भारतीय सैनिक को वापस कर रहा है, ये इस बात का उदाहरण है कि
युद्ध कोई नहीं चाहता है। वो जो सैनिक जिसको जिसको वहां पकड़ा गया था, उस वीडियो में आप खुद देख सकते हैं कि कैसे वहां के सैनिक, पाकिस्तानी सैनिक खुद कह रहे हैं कि इसको छोड़ो, छोड़ दो, इसको मारो नहीं। हालांकि कुछ अंतर्राष्ट्रवादी वहां के, पाकिस्तान के, उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दोनों तरफ की जो मिलिटेंट्स हैं, जो आर्मी है, वो शांति चाहती है, लेकिन कुछ लोग अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए शांति पैदा नहीं होने देना चाहते। मोदी हैं तो यकीनन सब कुछ मुमकिन है, इसलिए इस बार लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण बताने के लिए है, संविधान प्रदत्त उन मूल्यों को बचाने के लिए है जो हमें बाबा साहब अंबेडकर के अलावा तमाम सारे उन नेताओं ने दिए थे, जिनको ये लगता था कि वंचित तबके के लिए संविधान में कुछ प्रावधान किए जाएं। तो आगे आइए, 5 मार्च को जो भारत बंद का आह्वान किया गया है विभिन्न सारे सामाजिक संगठनों के द्वारा, उस मुहिम में भागीदार बनिए ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को आप इतना तो बता सकें कि मैं भी उस लड़ाई में शामिल था। तो 5 मार्च को जो भारत बंद का आह्वान गया है, उसमें रोस्टर के अलावा संविधान विरोधी जो 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण किया गया है, उसका भी मुद्दा शामिल किया गया है। जाति के आधार पर गिनती करने का भी शामिल किया गया है, क्योंकि बिना जाति के आधार पर गिनती किए आपको कैसे पता कि ओबीसी की संख्या कितनी है और उसको कितना आरक्षण दिया जाना है। एक बात और इसमें शामिल की गई है कि 10 लाख से ज्यादा आदिवासियों को विस्थापित करने का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट में क्यों केंद्र सरकार के द्वारा कोई मजबूत वकील नहीं खड़ा किया गया। इस तरह के तमाम सारे मामलों को जोड़ करके एक बड़ा आंदोलन तैयार करने की कोशिश की जा रही है 5 मार्च को, जिसमें तमाम सारे लोग शामिल होंगे। चलते में एक बार फिर से आपसे अपील कर लेता हूं कि जो ये बहाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश इस समय संकट की घड़ी में है और आपके अपने अधिकारों की पड़ी है, तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उनकी पूरी टीम को अपने वोटों की पड़ी है, वो लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं, चुनावी रैलियां निकाल रहे हैं, तो हम अपने अधिकारों की, अपने हक की बात क्यों भूल जाएं कि ओबीसी एससी एसटी और अल्पसंख्यक एक बड़ा वर्ग बनाकर निवास करती है, तो इनके बिना ना देश बनेगा और ना देश बचेगा। आप देखते रहे नेशन जनमत, हमारी कोशिश है कि हम सही मुद्दों को और सटीक तरीके से आपके सामने ला सकें। जय विज्ञान, जय संविधान। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो